बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज की जो हमारी टिप्स है बहुत ही ज़बरदस्त, उन नौजवान के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन उलमाए हजरात के लिए, उन मकर्रर लोगों के लिए जो तकारीरें वगैरह करते हैं उनके लिए। अक्सर जो बयानात करते हुए उलमाए हजरात या जो हमारे नौजवान तकरीरें करते हैं, गले से आवाज़ नहीं निकलती, तो ऐसे में आप उस वक्त क्या कर सकते हैं? तो आप इस टिप्स को बना के अपने पास रखें। जब भी आप बयानात करें या तकरीर करें तो इस टिप्स को आप बयानात करने से पहले इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करें उससे जितना चाहें बयान करें, जितनी चाहें तकरीर करें जी, आपकी आवाज़ को ख़राब नहीं होने देगी टिप्स। तो सबसे पहले आपने अदरक का रस लेना है, 50 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ही आपने शहद खालस लेना है। इन दोनों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से किसी ऐसी शीशी में रखें जो खुशक हो, शीशे की हो, उसमें रखें ताकि ये ख़राब ना होने पाए। जब भी आप कोई बयानात करें, तकरीर करें, या आपका गला अक्सर ख़राब रहता हो बयानात करने की वजह से, तकरीरें करने की वजह से, तो आप इस जो अरक है इसको आप चाट लें, इस शहद को चाटें जिसमें अदरक मिक्स किया है, तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है खुल भी जाएगी, आपका गला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जितनी चाहें तकरीर करें, आपकी आवाज़ ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों, आपसे हमारी हर दफ़ा यही रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, और आके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि किसी दूसरे लोग का भी इसमें भला हो जाए, बेहतरी हो जाए, तो इससे फ़ायदा उठा सके। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह ताला आप सब खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।